नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का बिहार में जोरदार विरोध हो रहा है। गुरुवार को बिहार के 8 जिलों में छात्र और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, सहरसा, आरा और नवादा में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कैमूर और छपरा में छात्रों ने एक ट्रेन में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन में आग लगा दी। छात्रों ने कई जगहों पर टायरों को भी जलाया है। कई जगहों पर बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। अग्निपथ के खिलाफ विरोध कर रहे युवाओं ने नवादा में बीजेपी के विधायक अरुणा देवी के वाहन पर हमला किया। इस हमले में विधायक सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। नवादा में बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। आरा स्टेशन पर उग्र हुए छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सालों से रुकी हुई भर्ती के बाद जब सरकार ने 4 साल बाद रिटायरमेंट और पेंशन ना देने वाला फैसला किया है, इससे युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है और युवाओं में आक्रोश उमड़ पड़ा है। अग्निपथ योजना के विरोध की आग धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लेकर अन्य राज्यों में भी पहुंचती दिख रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी युवाओं ने इसका विरोध किया है। राजस्थान के बाड़मेर में युवाओं की ओर से रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर रेल रोकने की कोशिश की गई। जयपुर के ग्रामीण इलाके कोटपुतली में कुछ युवकों ने टंकी पर चढ़कर विरोध किया। मध्य प्रदेश में युवाओं ने शहर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद बिरला नगर स्टेशन पहुंचकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा हरियाणा में भी विरोध हिंसक हो गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई, पथराव किया गया, जिसका जवाब पुलिस ने हवा में फायरिंग कर और आंसू गैस के गोले छोड़ कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना की आलोचना की है। उन्होंने इस योजना में युवाओं के लिए भविष्य नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि इसमें ना तो कोई रैंक और ना ही कोई पेंशन है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना को एक खराब योजना बताया। उसने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल में युवाओं को फौज से निकाले जाने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे देश भी सुरक्षित नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि खराब तरीके से तैयार की गई अग्निपथ योजना देश को पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकती है। कांग्रेस ने कहा कि सैनिकों को सिर्फ 6 महीने में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी को सही ठहराया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज हैं, उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांध कर मत रखिए। केंद्र सरकार से अपील है, युवाओं को 4 साल नहीं पूरी जिंदगी देश सेवा करने का मौका दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल सेना में भर्तियां ना होने की वजह से जो अधिक उम्र के हो गए हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। उन्होंने कहा कि आप किसी बहकावे में ना आए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। अग्निपथ के खिलाफ जारी हुए विरोध के बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। मायावती ने कहा कि वो सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना बस सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब एवं ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी
अब निराशा उत्पन्न कर रही है। मायावती ने कहा कि सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यही मांग है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से 4 साल बाद सरकारी बेरोजगार अग्निवीरों की फौज तैयार होगी, जो ना देश हित में है न समाज हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो 4 साल बाद अग्निवीरों को बेरोजगार भत्ता दे या रोजगार की गारंटी दे। एक ओर जहां देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं, इस बीच पीएम मोदी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में रोड शो से ठीक पहले युवाओं ने गगल व हमीरपुर मंडी में जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन उग्र होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और युवाओं को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोड शो के लिए लगाए गए पीएम मोदी के होर्डिंग भी फाड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की और मोदी सरकार पूर्व रक्षा अधिकारियों, विशेषज्ञों, छात्रों और विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ही इस योजना पर कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों को लेकर वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को खत लिखा है। उन्होंने उस खत में कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में कई सवाल हैं। बीजेपी सांसद ने 2 पन्नों के खत को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा है कि युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार तुरंत योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे। उनका यह खत तब सामने आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विध्वंस की कार्रवाई को अंजाम न दें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य को 3 दिन का समय दिया और कहा कि वो बताएं कि हाल ही में की गई बुलडोजर की कार्रवाई प्रक्रिया के मुताबिक और नगरपालिका कानून के अनुपालन में कैसे थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल कानून के अनुसार ही हो, इसके प्रतिशोध के तौर पर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सरकार को नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम की धारा 27 के अनुसार कम से कम 15 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाना चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का कोई अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि कानूनों के उल्लंघन का आरोप है, इसलिए पीड़ित पक्ष को ये कहते हुए आगे आना होगा कि दंगों में शामिल होने के लिए बदले की भावना के रूप में नोटिस जारी किए बिना उनके खिलाफ विध्वंस कार्रवाई की गई। वहीं जस्टिस बोपन्ना ने शुरू में टिप्पणी की कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर घुसने का आरोप लगाते हुए पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने घेराव से पहले ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं और पुलिस से उनका आमना सामना हुआ है। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।